ये है भाई अपने पास न्यू सिट्रॉन C3। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस गाड़ी में क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें और आपको बेहतर हो सकती है इस गाड़ी के साथ, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इस गाड़ी के साथ आपको क्या पावर फिगर देखने को मिल जाता है, क्या सेटअप मिलता है। ये कुछ इस तरीके से इसका क्रोम का सेटअप मिलेगा विथ DRL के साथ, DRL कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा और रियर से भी आपको DRL देखने को मिल जाएगा। बाकी ये क्रोम का सेटअप जो देखने को मिल रहा होगा काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, इसका क्रोम का सेटअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा इसका लोगो के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इसके फ्रंट से। बाकी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, सिट्रॉन का आपको बैज स्किड प्लेट आपको मिल जाएगा कुछ तरीके से फ्रंट में, आपको बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। एयर वेंट के लिए काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें की गई हैं। बाकी यहाँ पे टो हुक के लिए आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा यहाँ से कर पाओगे, और ये अपना फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और ये अपना हैलोजन सेटअप आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ठीक ठाक आपको हैलोजन सेटअप देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पर देखोगे कुछ इस तरीके से आपको मिररिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी टायर साइज़ की बात करते हैं, 195/65R15 का आपको टायर मिल जाएगा, जो कि आप देख पाओगे फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, बीच में आपको सिट्रॉन का लोगो मिल जाएगा काफ़ी बेहतरीन से, और ये मशीन कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी के साथ, जो कि भाई ऑन रोड ज़्यादा भाई 10,60,000 लखनऊ में, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका ओपन करते हैं डोर, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी ORVM देख सकते हो कुछ तरीके से, आपका ORVM देखने को मिल जाएगा। फेंडर पे आपको इंडिकेटर के लिए आपको सेटअप सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। डोर क्लैडिंग के लिए आपको कुछ इस तरीके से टेक्सचर क्या मतलब डिज़ाइन किया गया, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ओपन करते हैं भाई इसका हैंडल, आपको मैं डोर ओपन करते हैं फिर आप लोग को मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है वो चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले भाई बात करोगे तो यहाँ से ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एरिया, जहाँ पे दो इसका ओपन करने के लिए डोर अप डाउन करने के लिए, बाकी डोर लीवर मिल जाएगा और पकड़ने के लिए बॉटल के लिए स्पेस, और यहाँ से बात करते हैं काफ़ी अच्छी है। बाकी स्पीकर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाता है। अभी क्या करते हैं बैठते हैं अंदर, उससे पहले भाई इसका भाई सीट की बात कर लेते हैं। सीट कुछ इस तरीके से इसका देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देखोगे भाई एडजस्टेबल के साथ आपको मिल जाएगा, और सीट में आपको देखोगे तो भाई काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। बाकी टैंक के लिए आपको फ्यूल लीड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, टैंक की बात चली रही थी उसमें आपको 30 लीटर का टैंक मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। माइलेज आपको 18 से 20 का आपको माइलेज देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के साथ। और यहाँ पे बात करते हैं इसका AC वेंट आपको देख सकते हो। बाकी एक बार गाड़ी ऑन करते हैं आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये कलरफुल आपको छोटी सी MID देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आती है। यहाँ पे आप देखोगे वॉइस असिस्टेंट सारी चीज़ें आप देख पाओगे। बाकी सिट्रॉन का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग काफ़ी नॉर्मल सी है, कोई बहुत मतलब फैंसी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी हम कम ही दे रहे हैं भाई, तो चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यही चीज़ है कि भाई इसका ग्लोबल एनकैप में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितना भाई इसका सेफ्टी रेटिंग आएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी देखते हैं भाई। बाकी अंदर से सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं, और इसमें आपको 2 एयरबैग मिल जाएगा इस सेफ्टी के तौर पे, तो ये भी थोड़ा सा मतलब इशू लग रहा है भाई मेरे हिसाब से। बाकी आप AC वेंट आप देख सकते हो, और ट्रैक्शन कंट्रोल सारी चीज़ें आपको देख पाओगे, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर आप देखोगे कुछ तरीके से IRVM देखने को मिल जाएगा, लाइट के लिए मिल जाएगा, हैलोजन सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे देख पाओगे, इसको बंद कर सकते हो यहाँ से, तो हैलोजन देखने को मिल जाएगा। बाकी टिकट होल्डर की बात करोगे तो टिकट होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ठीक है। बाकी को ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिरर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। एयरबैग की बात कर रहा था मैं, 2 एयरबैग आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी ये हो गया भाई इसका को ड्राइवर सीट पे इसका कैसा लुक आ रहा है वो देख पाओगे, फैब्रिक सीट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अभी क्या करते हैं भाई, निकलते हैं रियर सीट के लिए। रियर सीट पे क्या स्पेस है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें बात करते हैं इस गाड़ी के साथ। आपको एक बार मैं इसका डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा भाई इसका काफ़ी ठीक ठाक स्टोरेज मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ आपको कॉइन वॉइन रखने के लिए या फिर उसको ओपन करने के लिए डोर लीवर आपको देखने को मिल जाएगा, डोर लीवर लॉक कर सकते हो, जो कि आपको बॉटल के लिए मिल जाएगा स्पेस। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से स्पीकर का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ें। अभी क्या करते हैं बैठते हैं अंदर और चीज़ें बात करते हैं। और ये अपना सीट बेल्ट के लिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि मैंडेटरी हैं और कंपनी दे रही है तो और बेहतर है, और इस सब देना चाहिए भाई, इतना बजट ले रही है भाई कंपनी। बाकी दो
विंडो के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप देख पाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे, जो कि आप मोबाइल वाइज सारी चीज़ें आपको चार्ज कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और ये फैब्रिक सीट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से इसके, और ये जो कि सॉफ्ट काफ़ी सॉफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो आप देख पाओगे, तो ये सारी चीज़ आपको होगी। और अभी मैं क्या करता हूँ, निकलता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा रियर की सीट आपको दिखाता हूँ, रियर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें बात करते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी रियर से आप देखोगे भाई, ये अपना सिट्रॉन C3 टर्बो वेरिएंट में दिखा रहा हूँ, बाकी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है। विड्थ की बात करेंगे तो इस गाड़ी का विड्थ की बात करोगे तो आपको 1733 एमएस की विड्थ देखने को मिल जाएगी। C3 का बैच आपको देखने को मिल जाएगा, टर्बो टेक करके आपको मिल जाएगा ये इस तरीके से, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। रियर में आपको कैमरा मिल जाएगा, हालांकि मैं कैमरा क्वालिटी आप लोग को नहीं दिखा पाया, माफ़ी चाहूँगा, बट कोई नहीं, इसका भाई बूट स्टोरेज मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, वो दिखा लेते हैं। ओपन हो जा भाई, ओपन हो गया भाई, अभी देखोगे भाई तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ तरीके से आपको बूट के लिए 315 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि पार्सल ट्रे के साथ देखने को मिल जाएगा। ये कुछ तरीके से इसका पार्सल ट्रे मिल जाएगा। अभी मैं एक्चुअल इसका बूट दिखाता हूँ, जो कि आप देखोगे तो कहोगे भाई हाँ दिया गया भाई, ये यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा बूट, देख सकते हो। लेकिन एक कमी है भाई, इसमें लाइट देना चाहिए भाई, इतना पैसा ले रही कंपनी, लाइट नहीं दे रही भाई। 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 250 का लाइट तो लगा देना चाहिए। खैर कोई नहीं, जो है आपको मैं बता रहा हूँ, और जो कमी यहाँ पे लगी मुझे वो सारी मैं बता रहा हूँ, तो इस चीज़ आप ध्यान में रखनी है जब भी गाड़ी लोगे। तो ये सारी चीज़ आपको रियर से बातचीत हो गई, बाकी इसको करते हैं बंद और बात करते हैं आगे की किसमें और सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ से हो गई ओवरऑल लुक, लेंथ की बात करें गाड़ी की तो 3981 में इसकी लेंथ मिल जाएगी। इसकी बात करते हैं पावर फिगर की तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, हालांकि 4 सिलेंडर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। पावर की बात करेंगे 108.62 bhp, टॉर्क की बात करें 90 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले मिल जाएगा। सेफ्टी में ABS CVT, TP में TSC, हिल असिस्ट, ऐसा चीज़ें फीचर आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब ये वीडियो शूट हो रही है भाई, कोई भी आपको इसका वो आपको देखने को नहीं मिला है, मतलब ग्लोबल एनकैप में रेटिंग नहीं आई है। करीब मैं थोड़ा सा पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए, बाकी जब भी सेफ्टी रेटिंग आएगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा।